पेट से लटकी इस थैली के अंदर क्या है जानकर होश उठ जाएंगे। और एक ऐसी बीमारी जिससे पल भर में हो जाते हैं सभी बाल सफेद, लेकिन क्यों? और इस आदमी को दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन क्यों माना जाता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर वन, एक आदमी को अपने घर के बाहर लगे पेड़ पर एक अजीब सी थैली लटकी हुई दिखाई देती है, और जब उसने उसे उतार कर चाकू से काटने का प्रयास किया तो उसे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े दिखाई देने लगे। ये कीड़े कुछ और नहीं बल्कि पाइन प्रोसेसनरी कैटरपिलर्स का पूरा परिवार था, जिनका पूरा शरीर काफी चुभन भरे बालों से भरा होता है, जिन्हें छूने से बहुत तेज खुजली होने के साथ साथ स्किन के उस एरिया में एलर्जी भी हो जाती है। दरअसल ये कीड़े विकसित होने के लिए एक रेशम के कुकून का निर्माण कर उसे अंदर कई सैकड़ों की संख्या में जमा हो जाते हैं, लेकिन इस क्रिया को अंजाम देने से पहले ये एक लाइन बनाकर तब तक लगातार चलते रहते हैं जब तक कि इन्हें इनका मन पसंद पेड़ न मिल जाए। इन कैटरपिलर की ये परेड किसी छोटी ट्रेन के जैसी दिखाई देती है, जिसके बाद ये किसी पेड़ में एक रेशम के कुकून की पोटली बनाकर उसमें एक गहरी नींद में तब तक सोते रहते हैं जब तक कि ये अपने लाइफ साइकिल की अगली स्टेट में न पहुंच जाए। लेकिन इन्हें छूने की गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से काफी तेज दर्द का अनुभव होता है। नंबर टू, हम सभी ये तो जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट सूरज के अराउंड चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से रात और दिन का एक साइकिल बनता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे फास्ट घूमता है? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जुपिटर हमारे सौर मंडल में मौजूद सबसे फास्ट प्लैनेट है। ये इतना फास्ट है कि यहाँ पर हर 10 घंटे बाद एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है, और अर्थ का एक साल यहाँ के 3 साल के ही बराबर होता है। वैसे ये जनाब तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लगते हैं। नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में मौजूद कोहनी की एकमात्र ऐसी बॉडी पार्ट है जहां पर पिंच करने पर हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता? एक स्टडी से पता चलता है कि 90% से भी ज्यादा लोगों में कोहनी के पीछे मौजूद इस स्पॉट में अगर कितनी भी पावर से पिंच किया जाए तो उसमें दर्द का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता। वैसे आप भी इसे ट्राई करके जरूर देख लें कि आप भी उन 90% लोगों में से है या नहीं। नंबर फोर, मारी एंटोनिटी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, जिसका असर दिखाई देता है उसके बालों पर। उस इंसान के बाल काफी तेजी से सफेद होने लगते हैं। इस बीमारी का नाम रखा गया है फ्रेंच की क्वीन मारी एंटोनिटी के नाम पर, और उसका कारण ये है कि 1793 में जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तो अपनी सजा से कुछ ही दिन पहले घबराहट के चलते इसके सारे बाल सफेद हो गए। मतलब कि स्ट्रेस लेने से हमारे बालों और हमारी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन वही ठीक इसके अपोजिट, अगर कोई इंसान अपने माइंड को स्ट्रेस ना लेने के लिए ट्रेन कर ले तो हर हाल में खुश रहना शुरू कर दे, तो उसके काफी कम उम्र में अब नॉर्मल तरीके से सफेद हुए बाल फिर से काले होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आज से ही स्ट्रेस लेना छोड़कर हर एक कंडीशन में खुश रहना शुरू कर दीजिए। नंबर फाइव, हमारी दुनिया कई अनोखे और विचित्र जीवों से भरी पड़ी है, और उन्हीं जीवों में से एक है उल्लू, जो कि सिर्फ रात के समय ही निकलते हैं और अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक भी घुमा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब एक उल्लू का बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसका सर इतना बड़ा और भारी होता है कि वो उसे ठीक से संभाल भी नहीं पाता, और उसे सोने के लिए अपने मुंह को नीचे गिराकर ऐसे जमीन पर लेटकर ही सोना पड़ता है, जो कि काफी क्यूट दिखाई देता है। नंबर सिक्स, दोस्तों अभी आपको आपके स्क्रीन पर ये जो जीव दिखाई दे रहा है, क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा जीव है? नहीं पहचाना ना तो आपको बता दूं कि ये जीव कुछ और नहीं बल्कि एक तो भालू ही है, जिसके शरीर पर से किसी वजह से सभी बाल उतर चुके हैं। वैसे आपने अभी तक जो भी भालू देखा होगा उसे बालों के साथ ही देखा होगा। एक भालू के शरीर पर बहुत घने बाल मौजूद होते हैं, लेकिन अपने इन बालों के उतर जाने के बाद ये भालू कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। वैसे आपने इस इमेज को देखकर इसे पहचाना या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर सेवन, शुरुआती दौर में जब पैंट्स को बनाने वाली कंपनी ने जींस की शुरुआत की तो उन्हें अमीर लोगों द्वारा पाया नहीं जाता था। उनका मानना था कि इन जींस का निर्माण तो लेबर्स के लिए किया गया है और इन्हें पहनने वाले लोग लो क्लास होते हैं। यहाँ तक कि जींस बनाने वाली महंगी ब्रांड लेवाइस के फाउंडर लेविस स्ट्रॉस ने कभी भी अपनी खुद की कंपनी तक की भी जींस नहीं पहनी। उन्हें ये डर था कि कहीं लोग उनकी गिनती भी गरीबों या फिर लो क्लास लोगों में ना कर दें।
लेकिन अब समय बदल चुका है और इन जीन्स के दाम भी। नंबर 8, ये है सुतोमु यामागुची, जिन्हें दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन माना जाता है, क्योंकि ये आदमी एटम बॉम्ब के अटैक से भी बच निकला था, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उन्होंने ये कारनामा दो बार कर दिखाया। 6 अगस्त 1945 को ये अपने एक बिजनेस ट्रिप के लिए हिरोशिमा पहुंचे और उसी दिन अमेरिका ने वहां पर एटम बॉम्ब गिरा दिया, जिसमें उनका थोड़ा बहुत चेहरा तो झुलस गया लेकिन उनकी जान बच गई। फिर उसके बाद वो वापस अपने घर नागासाकी जा पहुंचे और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो अमेरिका ने वहां पर भी एक एटम बॉम्ब गिरा दिया। यहां पर से भी वो चमत्कारी तरीके से बच निकले, जिसके बाद उन्हें दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन माना जाने लगा। सच में किस्मत हो तो ऐसी हो। नंबर 9, दुनिया भर के सभी देशों में ट्रेन चलाने के लिए दो ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको ट्रेन दो नहीं बल्कि ऐसे तीन ट्रैक्स यानी कि तीन पटरियों पर चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इसके पीछे का आखिर कारण क्या है, तो आपको बता दूं कि पुराने समय में लगभग हर एक देश में ऐसे तीन ट्रैक्स की पटरियों का ही निर्माण किया जाता था, जिसके पीछे का कारण था मीटर गेज ट्रेन, जिसे छोटी लाइन की ट्रेन के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ सभी देशों में इन छोटी लाइन की ट्रेन की जगह पर बोर्ड इंजन और रेलवे ट्रैक को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसमें ट्रैक की चौड़ाई बढ़ाने के साथ साथ ट्रेन के सभी इंजन के आकार में भी बदलाव करना होता था, जो कि काफी महंगा था। लेकिन बांग्लादेश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना होने की वजह से उन्होंने अपनी वही पुरानी ट्रेन के मॉडल्स को ही कंटिन्यू रखा। यही कारण है कि बांग्लादेश में ट्रेन ऐसे तीन पटरियों पर चलती है। नंबर 10, दोस्तों हम सभी घरों में टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन तब क्या हो अगर कोई गलती से इसे खा ही ले तो? ऐसे में कहीं उस इंसान की जान तो नहीं चली जाएगी? तो आपको बता दूं कि फेविक्विक जैसे ही किसी मॉइस्चर या फिर नमी के कांटेक्ट में आता है तो उसके चिपकने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही फेविक्विक की बूंद हमारी जीभ पर गिरती है तो हमारी बॉडी उसके प्रति रिएक्शन करते हुए बहुत सारे सलाइवा को प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे कि साथ के साथ फेविक्विक एक तरल पदार्थ की तरह हमारी जीभ पर ना चिपक कर मुंह से बाहर की ओर बहने लगती है। ये हमारे शरीर का एक इनबिल्ट सिस्टम होता है जो अनवांटेड चीजों को शरीर के अंदर दाखिल होने से रोकता है। साथ ही फेविक्विक को बनाने में साइनोक्राइलेट एडहेसिव का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल तो दवाइयों में भी किया जाता है, जिससे कि गलती से भी इनके मुंह में जाने पर भी वो हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपको इसका स्वाद कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 11, स्विट्जरलैंड दुनिया के पहले ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर प्लेन भी सोलर पावर से चलते हैं। ये प्लेन्स एक ही बारी में पूरे 36 घंटे की लंबी उड़ान भर पाने की क्षमता रखते हैं। सारी कंट्रीज पोल्यूशन को खत्म करने और धरती को बचाने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रही हैं। वो समय दूर नहीं जब ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल और अन्य पोल्यूशन करने वाले पदार्थों का इस्तेमाल लगभग खत्म ही हो जाएगा। नंबर 12, गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इनके कॉम्प्लेक्स में लगी ये घास बड़ी हो जाती है तो ये इसका क्या करते हैं? तो इसके लिए ये गोट्स के एक झुंड को रेंट पर हायर करते हैं। गूगल चाहे तो मशीन की मदद से इस घास को बड़ी ही जल्दी और आसानी से कटवा सकती है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये घास वेस्ट में जाकर किसी का पेट भरे, जो कि काफी काबिले तारीफ है। नंबर 13, खरगोश एक ऐसा जीव है जिसकी आंखें उसकी खोपड़ी के सामने ना होकर साइड्स में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ यानी कि 360 डिग्री में देख पाने की काबिलियत रखता है, जिसके चलते इन्हें अपने शिकारी की किसी भी तरफ से किए गए मूव का बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है, और अपनी इसी काबिलियत की वजह से जंगल में शिकारी इतना आसानी से शिकार नहीं कर पाते। नंबर 14, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेपर को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हर साल ना जाने कितने ही पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन हाल ही में एक कंपनी ने इन पेपर्स को बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को इजाद किया है, जिसके चलते वो स्टोन यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल करके कागजों को बनाने लगे हैं। ये पेपर फ्लेक्सिबल तो होते ही है और साथ ही इनकी मजबूती भी एक लकड़ी के कागज के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, वाटरप्रूफ होने की वजह से ये कागज पानी पड़ने पर भी खराब नहीं होता, जिससे कि इन्हें कई सालों तक रिफ्यूज भी किया जा सकता है, जो हमारी जेब के लिए तो फायदेमंद है ही, और साथ ही ये एनवायरमेंट को बचाने के लिए भी एक बड़ा कदम है। नंबर 15, जब भी किसी को हिचकी आती है तो कहा जाता है कि उसे किसी ने याद किया है, और हम बैठ जाते हैं बारी बारी से सबका नाम लेने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिचकी के पीछे का वो रियल वो साइंटिफिक रीजन क्या है?
तो आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में फेफड़ों और स्टोमक एरिया के बीच एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम, जो जैसे ही हमारी बॉडी में सांस हवा के रूप में अंदर जाती है तो ये डायफ्राम फेफड़ों में भरी हवा के दबाव से नीचे की ओर आ जाता है और हमारे पेट को दबाता है। ठीक इसी तरह फेफड़ों से सांस के बाहर निकलते ही ये डायफ्राम फिर से ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान जल्दी जल्दी में खाना खाता है तो ये डायफ्राम अपने आकार से सकुट जाता है, जिससे कि हवा फेफड़ों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती और नतीजतन हमें हिचकी आने लगती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।